अस्सलामुअलैकुम। वीकेंड पे इतनी बोरिंग होती है ना यार मुझे। सम टाइम ऐसा तो कोई एक्टिविटी नहीं होती घर में, बस बोरियत और स्टडी। सो मैंने लास्ट वीक रेटिनोल लगाया था एंड इसके एक यहाँ पिंपल और एक यहाँ पर पिंपल निकला। नॉर्मली मैं रेटिनोइड ग्राम एक्टिवा दी ऑर्डिनरी वालों का यूज करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन पर किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होती, किसी तरह की कोई पिंपल्स नहीं निकलते। रेटिनोल यूज करने से मेरी स्किन पर ये सब कुछ हुआ है। मैंने रेटिनोल को उसी टाइम छोड़ दिया, एक दफा ही मैंने अप्लाई किया था। अभी मैं दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पर रेटिनोइड ग्राम एक्टिवा पर आ गई। 15 दिन पहले मैंने सेहाज के परमानेंट एंड टिंटेड करवाए थे, जिसका कोई रिजल्ट नहीं, मतलब कि वो 15 दिन बाद आपको दोबारा करवाने पड़ते हैं, जिसका मतलब कि आप रह नहीं तो या फिर माइक्रो पिगमेंटेशन करवा लो। नए सेरेमाइड में अप्लाई करने लगी हूँ मॉर्निंग में, जो जिसकी वजह से मेरी स्किन पर जितने भी डार्क स्पॉट्स थे वो कम हो गए और मेरी स्किन थोड़ी ज्यादा ब्राइट हो गई है, इससे जो मैंने फील किया। नॉर्मली मैं तकरीबन 3 से 4 साल से इसको मैं मॉर्निंग में यूज कर रही थी, लेकिन दरमियान में कभी ये प्रोडक्ट कभी वो प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन ओवरऑल दोबारा मैं अपनी वापस रूटीन पर आ गई। नाइसिनामाइड तकरीबन 2 से 3 मिनट लेता है स्किन में अब्जर्व होने में, उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं 2 से 3 मिनट देंगे तो ये आपकी स्किन से रिमूव होने लग जाएगा, लाइक एक रफ रबर की तरह। इसके अलावा नाइसिनामाइड को हमेशा 2 से 3 ड्रॉप ही अपने फेस पर अप्लाई करने चाहिए, ज्यादा करने से अफेक्ट नहीं करेगा स्किन, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत इसको टाइम चाहिए होता है ताकि वो स्किन में जिस तरीके से जज्ब, लाइक हाइलोनिक सीरम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो साथ ही जज्ब हो जाते हैं स्किन, जैसे कि जो मॉइस्चराइजर होता है ये स्किन में बहुत जल्दी जज्ब हो जाता है। डिपेंड करता है हर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स पर किस तरीके के उसके मॉलिक्यूल्स बने हो। मैं अप्लाई करने लगी हूँ Q10 आई क्रीम फार्मूला बना हुआ है लड़कों के लिए, लेकिन हम लड़कियां इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन लड़कों के स्किन टाइप के हिसाब से Q10 बना हुआ है। Q10 की कोई भी प्रोडक्ट ले, चाहे सीरम ले, चाहे क्रीम ले, या Q10 की कुछ भी ले, वो लड़कों के लिए ही होता है, स्पेसिफिक उनकी स्किन के हिसाब से बनाया गया हुआ है ये फार्मूला Q10। Q10 स्पेशली बनाया गया है एजिंग स्किन के लिए, स्किन पर रिंकल्स आए या फिर एजिंग के साइंस आ रहे हैं वो Q10 इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़कों की मैं बात कर रही हूँ ओके। बाकी हम लड़कियां तो हर चीज यूज कर सकते हैं। ये एक टाइनी सी मुझे लिप बाम मैंने बाय की थी, जो बहुत मजे की है, AliExpress से 2 यूरोस की प्राइस है एंड लाइक बहुत टाइनी सी है, लेकिन ओवरऑल बहुत मजे किया यार। तो ये मैं अप्लाई करनी हूँ फाउंडेशन विद टिंटेड क्रीम, यूजली इसका 1 ड्रॉप ही मेरी स्किन पर काफी होता है। इसको ब्लेंड में हाथ की मदद से कर लूंगी। हम घर में हैं तो क्यों नहीं हम घर में मेकअप कर सकते, वैसे ये अजीब सी बात है कि घर में हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैं किको मिलानी वालों का ये एक पैलेट है, थोड़ी सी यहाँ। दिन में आपका स्किन जितनी ज्यादा रोसा हो तो इतनी ज्यादा नेचुरल लगती है। दिन में इतना थोपने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ 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 लगा लो और दैट्स इट।